Hello everyone, welcome back to my channel Lessons at Fingertips. Here we discuss on some various important topics in really simple words so that it's easier for you all to understand and keep things in mind. So आज के वीडियो में मैं कैमरा के पीछे से ही बात करने वाली हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ लक्ष्य गृह के बारे में। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि लक्ष्य गृह क्या है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बोलना चाहूंगी कि लक्ष्य ग्रह एक पैलेस है, महल है, जिसका जिक्र हमारे महाभारत में किया गया है। आदि पर्व चैप्टर 136 में लक्ष्य ग्रह के बारे में बोला गया है। यह कहानी शुरू होती है जब पांडवास और कौरवास गुरु द्रोण के अधीन अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हस्तिनापुर वापस आते हैं। तब दुर्योधन देखते हैं कि हस्तिनापुर के लोग युधिष्ठिर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और उन्हें ही अपना राजा मान लिए हैं। यह देख वह बहुत क्रोध होते हैं और ईर्ष्या में डूब जाते हैं। वह अपने पिताजी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उन्हें यह बोलते हैं कि जिस तरह उनका जगह पांडु ने ले लिया था, उसी तरह युधिष्ठिर उसका स्थान लेने जा रहा है। इसीलिए दुर्योधन ये प्रस्ताव रखते हैं कि उन्हें दरबार और राज्य के लोगों को अपने तरफ करना होगा, जिसका एक ही उपाय है, उन्हें धन का उपयोग करना होगा। और जब तक दुर्योधन राजा नहीं बन जाते हैं तब तक पांडवास को वर्णाव्रता भेज दिया जाएगा। इसी प्रस्ताव पर धृतराष्ट्र भी मान जाते हैं और महाशिव पूजा के समय पांडवास को वर्णव्रता के लिए प्रस्थान करने को बोल दिया जाता है। दुर्योधन के पास अपने पिता से कई अधिक बड़े योजनाएं थीं। वे पांडवास को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, इसीलिए वह पुरोशना के साथ मिलकर लक्ष्य गृह के योजना बनाते हैं। पुरोशना एक ऐसे महल बनाने वाले थे जो ज्वलनशील चीजों से बनते हो ताकि वहां जल्दी आग लग सके। पुरोशना वॉज एन एजेड मैन हु हैड सर्व्ड दुर्योधना फॉर इयर्स। दुर्योधना ट्रस्टेड हिम विथ हिज लाइफ एंड न्यू दैट पुरोशना वुड ऑलवेज टेक हिज साइड। पुरोशना वॉज अ स्किल्ड आर्किटेक्ट। तो जब कुंती और पांडवास के साथ वर्णाव्रता पहुंचते हैं तब पुरोचना सभी लोगों के साथ उनका बहुत आदर एवं सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। उन्हें पहले दूसरे किसी महल में रखा जाता है। 10 दिनों के बाद पुरोचना उन्हें लक्ष्य गृह ले जाते हैं। हर रोज सुबह सुबह शिकार पर जाते थे और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। पुरोचना को लगने लगा कि पांडवास का विश्वास जीत लिया है। ऐसे ही 1 साल बीत गए। 1 साल बाद पांडवों ने भोज का आयोजन किया। उस रात पुरोचना जल्दी सोने चले गए, तभी लक्ष्य गृह में आग लग गई। सो हियर द थिंग इज कि पांडवास वांटेड टू बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, सो दे वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी। A drunken huntress and her 5 sons visited the Lakshya Griha one day. The huntress was so drunk that they slept there. Bhima took advantage of the opportunity and set fire to the Lakshya Griha. The Pandavas and Kunti escaped through the tunnel. People saw the charred bodies of women and 5 men. They thought it must be Pandavas and their mother. तो बात यह थी कि पुरोचना को कुछ समझ नहीं आई कि आग कैसे लगी, क्योंकि उसने तो आग लगाया नहीं था। तो वो लक्ष्य ग्रह में ही फंस गए और पांडवास सुरंग से बाहर निकल गए। तब हमें ये पता चलता है कि पांडवास को विदुरा ने पहले ही दुर्योधन और पुरोचना की योजना के बारे में बता दिया था। तो यह 1 साल पांडवास वही सुरंग को बनाने में व्यतीत किए ताकि समय आने पर वह बच सके। Now the thing is कि the Pandavas wanted the Kauravas to believe that they had perished in fire, so they stayed in disguise. As soon as they came out of the tunnel, they moved into the forest. They kept on moving from place to place. Their identities were revealed only after Draupadi's Swayamvara. तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI है हैज फाइनली ग्रांटेड परमिशन टू
evacuate the site that locals believe was the site of Lakshagriha or the house of Lakh. The site is situated in Barnava district of Baghpat and the tunnel opens near the Hindon river. The excavation is expected to start in December and will go on for 3 months. So this was the whole story of Lakshagriha. I hope you guys have liked this video. Please do hit a like and subscribe to my channel for more such informative videos. Thank you. Bye-bye.